Welcome to our channel Math Study WB. Today we are going to learn father self unit 3. As he entered the school gate, an idea occurred to him. जैसे ही वो स्कूल में दाखिल हुआ उसके दिमाग में एक आइडिया आया. He would deliver the letter to the headmaster at the end of the day. कि वो खत को तो हेडमास्टर को देगा. And कब? जब स्कूल छुट्टी होने का वक्त होगा, तब, यानी दिन के आखिरी हिस्सा में. There was a chance Samuel might do something during the course of the day to justify the letter. अब वो ये सोच रहा है कि स्वामी ये सोच रहा है कि समीर कोई ऐसा काम करे जो अभी स्कूल शुरू होने से लेकर के छुट्टी तक कोई ऐसी कांड करे जिससे जो खत में लिखा है वो साबित हो जाए, वो जस्टिफाई हो जाए. स्वामी स्टूड एट द एंट्रेंस टू हिज क्लास. स्वामी क्लास में जाकर के गेट के सामने खड़ा है. समीर वाज टीचिंग एथमेटिक्स एट दिस टाइम. समीर जो है वो एथमेटिक्स पढ़ा रहे थे. एथमेटिक्स इज अ पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स. सो वो उस वक्त जो है एथमेटिक्स वहाँ समझा रहे थे बच्चों को. ही लुक्ड एट स्वामी. समीर की नज़र जब स्वामी पर पड़ी, स्वामी को देखे वो, स्वामी हॉप्ड. अब स्वामी उम्मीद किया. समीर वुड स्कॉल हिम सेवनली. अब क्योंकि मैं लेट करके आया हूँ, स्वामी सोच रहे हैं कि मैं लेट करके आया हूँ, अब मुझे वो डांटेंगे. और अगर डांटेंगे तो जो खत में लिखा है वो बात बन जाएगी. अब वो ये सोच रहा है, वो दिमाग में ये जो लगाया है कि किसी ना किसी तरीके से समीर से मुझे डांटे, क्योंकि उसको तो खत को जमा करना ही पड़ेगा. उपाय उसके पास कोई है नहीं, क्योंकि बाप का ऑर्डर है. ही लुक्ड एट स्वामी. जब वो स्वामी में स्वामी के ऊपर देखा, स्वामी हॉप समीर वुड कॉल हिम सेवनली. यू आर हाफ एन आवर लेट. अब समीर कह रहे हैं स्वामी से कि आप आधा घंटा लेट हो. समीर से आई हैव अ हेडेक सर. स्वामी सर, स्वामी ने कहा कि सर मेरे सर में जो था दर्द था. देन व्हाई डिड यू कम एट ऑल. एक बहुत बेहतरीन अंदाज में, एक प्यारा अंदाज में समीर कह रहे हैं कि फिर इस तरह की बात थी तो स्कूल नहीं आना चाहिए था, फिर स्कूल क्यों आए. दिस वॉज एन अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन फ्रॉम समीर. समीर की जो ये बात सुनकर के ये स्वामी को एक अजीब लगा कि डांटने के बजाय मुझे इस तरह की बात कह रहे हैं कि सर में दर्द है तो नहीं आना चाहिए. स्वामी सेड माई फादर सेड आई शुड नॉट मिस स्कूल सर. अब वो फिर कह रहा है, स्वामी कह रहा है कि सर मेरे बाप जो ये कह रहा है कि स्कूल मिस नहीं करना चाहिए, स्कूल नागा नहीं करना चाहिए, ये मेरे बाप कह रहा है इसीलिए मैंने स्कूल आया आज. सर में दर्द होने के बावजूद भी, एक्चुअल में उसके सर में कोई दर्द है नहीं, ये बहाना कर रहा. समीर लुक्ड इम्प्रेस्ड. ये बात सुनकर के समीर और इम्प्रेस्ड हो गया और खुश हो गया. योर फादर इज क्वाइट राइट. तुम्हारे बाप बिल्कुल सही कह रहे हैं. वी वॉन्ट मोर पेरेंट्स लाइक हिम. हम लोग चाहिए कि इस तरह की पेरेंट्स जो आपके माँ बाप हैं, इस तरह की ज़्यादातर लोग इसी तरह के हों, हम लोग उस तरह के बननी चाहिए. ओह यू पुअर मैन. अब ये स्वामी अपने मन में कह रहा है. ओह गरीब आदमी स्वामी थॉट. ये मन में ही कह बोल रहा है, वो इसको जाहिर नहीं कर रहा है. यू डोंट नो व्हाट माय फादर हैज डन टू यू. मेरे बाप तुम्हारे लिए क्या क्या है. ओह गरीब आदमी तू नहीं जानता अभी. ऑलराइट गो टू योर सीट. समीर कह रहे हैं कि चलो ठीक है, जाके सीट पे बैठ जाओ. स्वामी सेट डाउन. स्वामी सीट पे बैठे फीलिंग सैड. बहुत ही उदास गमगीन हालत में वो फील कर रहे हैं. ही हैड नेवर मीट एनीवन एज गुड एज समीर. इससे पहले कोई ऐसे शख्स से नहीं मिला था जितने बेहतर जितने अच्छे समीर हैं. वही चीज़ वो सोच के याद कर रहे हैं और सैड हो रहे हैं. द टीचर वॉज इंस्पेक्टिंग द होम लेसन. जब उस्ताद ने होम टास्क के बारे में पूछे, टू स्वामी इज थिंकिंग दिस वॉज द टाइम वन समीर गॉट मोस्ट हैंग्री. हाँ अब एक मौका है,
स्वामी कह रहे अब एक मौका है कि आप समीर सर हमें डांटेंगे, और डांटेंगे तो उसका काम बन जाएगा क्योंकि वो लेटर को डिलीवर करेंगे हेडमास्टर को, तो हेडमास्टर उस पर देखा कि वो लिखा हुआ है कि वो स्कूल कर रहा है बच्चा को लेट देर से आने से, होम टास्क नहीं दिखाने से, इनमें से कोई भी बात अगर मिल जाती है इस तरह की आज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डे, तो वो उस बात को साबित कर देगा, जस्टिफाई कर देगा। लेकिन क्या होता है चलो देखते हैं आगे। बट टूडे समीउल अपीयर्ड वेरी जेंटल, लेकिन उस दिन जो है समीर जो है काफी शरीफ लग रहे हैं, काफी जेंटलमैन लग रहे हैं। स्वामी नेठन वेर इज योर होमवर्क, समीर सर कह रहे हैं स्वामी नेठन को तुम्हारे होमवर्क कहाँ हैं? आई हैव नॉट डन माय होमवर्क सर, मैं अपना होमवर्क नहीं कर पाया बिकॉज आई हैड, इसलिए वो कर नहीं पाया था सर। स्वामी सर, स्वामी सर, स्वामी ने कहा कि सर मैंने अपना होमवर्क नहीं कर पाया। वाई क्यों? समय क्या है क्या? सर मैं दर्द था। अक्ष समीर, समीर ने कहा क्यों नहीं किया, तो उसने जवाब दिया कि सर मैं दर्द था। यस यस सर, ऑल राइट, वाई हैड हैक? अक्ष समीर, समीर ने कहा तुम्हारे समय दर्द था इसलिए। चलिए तो स्वामी कह रहे यस सर, ऑल राइट सिट डाउन समीर सर। समीर ने कहा ठीक है फिर जाके सीट में बैठ जाओ। वेन द बेल रैंग फॉर द लास्ट पीरियड एट 4:30, स्वामी पिक्ड अप हिज बुक एंड रन टू द हेडमास्टर्स रूम। जैसे ही आखिरी घंटी पीरियड की घंटी बजी 4:30 बजे, वो अपनी किताब को लेकर के दौड़ पड़ा हेडमास्टर के रूम के तरफ। ही फाउंड द रूम लॉक्ड, वो क्या देख रहा है, क्या पाया कि हेडमास्टर का रूम जो है वो बंद है, उसमें लॉक है, ताला लगा हुआ है। द पियोन टोल्ड हिम द हेडमास्टर हैड गॉन वन वीक्स लीव, और पियोन को पूछा कि कहाँ है, तो पियोन ने जवाब दिया कि हेड सर जो है एक हफ्ता की छुट्टी में है, एक हफ्ता तक वो स्कूल नहीं आएंगे। तो इस बात को सुनकर तो स्वामी खुश होंगे क्योंकि अब उसको लेटर नहीं देना है अभी। स्वामी ने रन अवे फ्रॉम दैट प्लेस, उस जगह से स्वामी दौड़ पड़ा घर की तरफ। एज सून एज ही एंटर्ड होम विद द लेटर, फादर सेड आई न्यू यू वुड नॉट डिलीवर इट। जैसे ही वो घर में दाखिल हुआ खत को लेकर के, उसके बाप बोलते हैं कि मैं जानता था कि तू खत को डिलीवर नहीं करेगा। बट द हेडमास्टर इज ऑन लीव, स्वामी सेड, स्वामी ने कहा कि हेड सर छुट्टी पर है। फादर स्नेच द लेटर अवे फ्रॉम स्वामी एंड थ्रो इट अप। फादर, अब्बू ने क्या किया, उस लेटर को छीन लिया, छीन करके स्वामी से उसको फाड़ दिया। डोंट एवर कम टू मी फॉर हेल्प इफ समीउल इज कॉल्ड यू अगेन, अगर दोबारा समीउल तुमको डांटे तो फिर मदद के लिए मेरे पास नहीं आइएगा। इस तरह से उसके बाप उसको कह रहे हैं, यू डिजर्व योर समीउल, समीउल सर तुम लोग इस तरह से करना ही चाहिए, तुम इसी लायक ही हो, ही सेड, उसके बाप ने कहे। तो फ्रेंड्स यहीं से यूनिट 3 खत्म होता है। फिर से मैं यही कहूँगा कि यूनिट 3 का भी जितने सारे क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, आप लोग इसको सॉल्व कीजिए। इसका एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप जाकर उसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुदा हाफिज़।